डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग जियोग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 9 जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़े हैं वह चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। काफी शॉर्ट चैप्टर है, मतलब काफी कम थ्योरी दिया गया है इसमें आपको और काफी कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आईटीडीपी है यानी 2011 और 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि आईटीडीपी है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि आईटीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आई से होता है इंटीग्रेटेड, टी से होता है ट्राइबल, डी से होता है डेवलपमेंट और पी से होता है प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आपको हिंदी में फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम या फिर समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, ठीक है। यानी आईटीडीपी क्या है? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, यानी जनजाति जो लोग हैं उनके विकास के लिए आईटीडीपी लागू किया गया है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, भरमौर जिला के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, भरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश में है तो वह सबसे पांच पिछड़े जिलों में, देश में सबसे पांच पिछड़े जिलों में से एक जिला है भरमौर जिला, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि सतत पोषण विकास जो होता है ये क्या होता है। देखिए सतत पोषण विकास ऐसा विकास जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, याद में रखते हुए विकास किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भविष्य में कोई मतलब नुकसानी ना उठाना पड़े, कोई संसाधन की उनको कमी ना बुझाए। तो वो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। तो वैसे विकास को क्या कहते हैं? सतत पोषण विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पोषण विकास। तो सतत पोषण विकास के लिए इनमें से जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है इंदिरा गांधी नहर के लिए वो कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। कृषि विकास या फिर परिवहन विकास या फिर पारितंत्र या फिर भूमि उपनिवेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि विकास। यानी क्या हो जाएगा? कृषि विकास जो है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। सबसे पहले हरियाली प्रोजेक्ट जो है, आप देखिए हरियाणा और पंजाब में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मतलब ग्राउंड लेवल का जो वाटर है यानी भौम जल का इस्तेमाल होता है सिंचाई करने में। तो सरकार को ये बात पता चला कि इस ग्राउंड लेवल जो है वो काफ़ी नीचे जाता जा रहा है, मतलब आगे चल के ऐसा समय आएगा जो आदमी को शुद्ध जल या जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसके कारण सरकार ये दिमाग लगाए कि जो बरसात के जल होते हैं उनको इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए और इसमें ट्रेनिंग दिया जाए ग्रामीण लोगों को, ठीक है। ग्रामीण लोगों में जल का मतलब संरक्षण करने का व्यवस्था बनाया जाए। तो इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें लाई गई थी सरकार के द्वारा हरियाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है वायु संरक्षण से या फिर जल संरक्षण से या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण से। यानी हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। इसका आपका जो ये क्वेश्चन है 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, यानी इंप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देता है लोगों को, मतलब सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पर्यटन या फिर सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं? कृषि क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं? यानी जो उद्योग होते हैं यानी जो उपभोग की सामान तैयार की जाती है वो है द्वितीयक सेक्टर। और पर्यटन में लोग जो होते हैं मतलब घूमने फिरने के लिए जो आते हैं यानी विदेशी जो लोग आते हैं वो क्या है? पर्यटन उद्योग है, ठीक है। तो ये जो सेवा सेक्टर है ना, ये जो सर्विस है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है, मतलब इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सतत पोषण विकास के दृष्टिकोण हैं, यानी सतत पोषण विकास के जो दृष्टिकोण हैं वो क्या है, इनका नजरिया क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण। मैंने आप लोगों को बताया कि सतत पोषण विकास क्या है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए यानी जो संसाधन है पर्यावरण में जो भी संसाधन है उसको बचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना हो, ये बात को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है, आर्थिक विकास किया जाता है। इसमें ये जो होता है सतत पोषण विकास में आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दिया जाता है और
और पर्यावरण की ओर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब दोनों की ओर ध्यान देते हुए विकास किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये विकास सभी देश के लिए अच्छा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट अभी मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन में कि भरमौर जनजाति जो है वो कहां है, कौन सा प्रदेश में आते हैं, यानी कौन सा राज्य में आते हैं। यहां आपको ऑप्शन में दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश में भरमौर एक जिला का नाम है, जो अभी मैंने फिर रिपीट करता हूं, यानी पांच जिलों में से, पांच पिछड़े जिलों में से, देश के पांच पिछड़े जिलों में से एक जिला भरमौर जिला है, जो कहां है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जिला में कौन रहते हैं, भरमौर जनजाति रहते हैं, और उन्हीं के लिए ITDP लाया गया था ना। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का जो संबंध है वो क्या है। प्रादेशिक नियोजन यानी प्लानिंग के बारे में आपको बताया गया था। नियोजन किसको कहते हैं, यानी भविष्य में कोई भी काम को करने के लिए या फिर भविष्य में कोई भी काम में सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए अभी से ही रूपरेखा तैयार करना, अभी से ही उसमें लग जाना, अभी से ही सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो प्लानिंग को मैंने वहां दो भाग में बांटा था, एक था प्रादेशिक प्लानिंग। तो प्रादेशिक प्लानिंग से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का जो संबंध है वो क्या है, 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास से, या फिर पारितंत्र परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, या फिर क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास से। ठीक है, तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से संबंधित है। यानी प्रादेशिक नियोजन में प्रदेशों का विकास किया जाता है, प्रदेशों का विकास करने के लिए आर्थिक विकास, यानी चाहे वो सामाजिक विकास हो या फिर पर्यावरणीय विकास हो, वो सारे विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन में तरह तरह के नियोजन किए जाते हैं, प्लानिंग किए जाते हैं। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है लागू की गई, यानी शुरू की गई, कब शुरू की गई, 1951 से, या फिर 1956 से, या फिर 1960 से, 1965 से, यानी प्रथम की बात की जा रही है। अभी भी मतलब पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो इसका जो सबसे पहले जो मतलब शुरू की गई थी ये 1951 में। कब, 1951 में, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, आरंभ की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग, क्या पूछा क्वेश्चन, कि योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की, मतलब वो साल आपसे पूछा जा रहा है। यानी मतलब योजना आयोग का क्या काम है, योजना आयोग को बहुत सारे क्षेत्र हैं, मतलब इसका मतलब लक्ष्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था आपको, लक्ष्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, ये सारा चीज आपको बताया गया। ठीक है, यानी थ्योरी वाला वीडियो में, तो ये योजना आयोग जो है कब मतलब 67 जिलों, यानी देश के टोटल 67 जिलों की पहचान की थी सूखा संभावित जिलों के रूप में, तो वहां क्या करना है, कृषि का विकास करना है और वो सारे बंजर जो खेत हैं उसका विकास करना, इसी दृष्टि से ये मतलब क्या किया था, सर्वेक्षण किया था और पाया था कि 67 जिले ऐसे हैं जो क्या मतलब है, सूखा संभावित जिले हैं। ठीक है, ये कब किया गया था, 1960 में, 1967 में, 1969 में, या फिर 1971 में। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था 1967 में, कब किया गया था, 1967 में। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1967। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अभी कर दिया, अभी दूसरा नाम कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर जो है अभी, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, बीकानेर नहर, या फिर जैसलमेर नहर, या फिर जोधपुर नहर, या फिर राजस्थान नहर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान नहर, यानी राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, ये नहर के बारे में पूरा डिटेल के साथ आपको बताया गया पूरा थ्योरी वाला वीडियो में। इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण क्षेत्र, यानी इसका जो चरण था, दो चरण में इसका निर्माण किया गया था ये नहर का, यानी इंदिरा गांधी नहर का। पहले इनका नाम क्या था, राजस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी राजस्थान के जयपुर में इसका मतलब ऑफिस, या फिर उनको कंट्रोल करने का मतलब ये है, मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन क्या कर रहा है, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया है, हरियाली से, या फिर नीरू मीरू से, या फिर अरवरी जल संसद, या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इनमें कौन जल संभरण, यानी जल का प्रबंधन से, यानी जल को सुरक्षित रखने से संबंधित है। हरियाली भी है, हरियाली के बारे में जस्ट अभी हम इस
इसी वीडियो में पढ़े एक क्वेश्चन निरुमीरु और अरवरी जल संसद, तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भरमौर जिला है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, अभी जस्ट अभी मैंने बताया भरमौर जिला कहां है, हिमाचल प्रदेश में, कहां है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यानी भरमौर जनजाति रहते हैं वहां, और ये देश के पांच पिछले जिलों में से एक जिला भरमौर जिला है जो हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। तो टोटल क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कवर किए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शॉर्ट चैप्टर है, क्या शॉर्ट चैप्टर है, काफी मतलब ज्यादा लंबा नहीं है, कम ही थ्योरी दिया गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आपका 12 है 12 है, और सभी क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करेंगे, आपको हो सके यहां से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होता है, एक नंबर काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है लास्ट में कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, कोई भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी थ्योरी अगर आप छुटा हुआ या फिर कोई भी चैप्टर अगर कवर नहीं किए हुए तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।